फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेसेस ऑफ ल्यूसिडिटी. आई एम अर्धेंदु एंड दिस इज़ माय सेक्शन ऑफ द शो. टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट बैचलर्स लिविंग इन रेसिडेंशियल सोसाइटीज़. सबसे पहले कौन है ये बैचलर्स, कहाँ से आया है ये बैचलर, आपके सोसाइटी में, आपका पड़ोसी, आपके नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे, कहीं पे भी रहते हैं ये, बहुत परेशान करते हैं. क्यों, कभी सोचा है आपने कि ये खुद कितने परेशान रहते हैं, इनके खुद के कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और इनके खुद के कितने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं जो शायद ही आपसे डिस्कस भी नहीं कर सकते. आज का मेरा सेक्शन, काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं एक के बाद एक आपको सुनाने वाला हूँ. एंड देन इट्स अप टू यू, आप डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है. नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट माई फ्रेंड जिसकी शिफ्टिंग शुरू थी. वो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर रहा था. बेसिकली एक बंदा अपना पूरा सामान लिए हुए टेम्पो वाले के पैसे देके सोसाइटी के अंदर एंटर करता है और अचानक से तभी एक आंटी आती है लिनन की साड़ी पहने हुए, हाथ में सब्जी का बोरा लेते हुए, और वॉचमैन को देखती है और कुछ कुछ तो बोलती है. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मेरे फ्रेंड की नज़र गई उस पर. तभी उसने लिफ्ट की तरफ कुछ तो इशारा किया और लिफ्ट पर चढ़ के चली गई अपने घर पर. बाद में जैसे ही उसने सामान शिफ्ट करना शुरू किया, वॉचमैन आया, उसने उसको वहाँ पे रोका, बोला नहीं आप लिफ्ट से नहीं लेके जा सकते. हेलो सर, मेरा फ्लैट 6th फ्लोर पर है और मैं लिफ्ट नहीं यूज़ कर सकता. कैन यू गिव मी वन रीज़न मैं लिफ्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकता. नहीं सर, नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि आंटी ने मना किया है, सोसाइटी का रूल है नहीं लेके जा सकते लगेज. एक सेकेंड, रूल ये होता है सामान के लिए अलग से लिफ्ट होती है जिसका मेंटेनेंस देना पड़ता है, और अगर आपके सोसाइटी में अलग से लिफ्ट नहीं है तो डेफिनेटली इफ़ आई एम पेइंग माई रेंट मैं वो लिफ्ट यूज़ करूँगा. बट नहीं सर नहीं हो सकता, आप जाके सेक्रेटरी से बात कर लो. एंड ही वाज लाइक ओके फाइन लेट्स गो. क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सामान लाने को कहेगी, थोड़ा मना करेगी, हाँ करेगी, बट बाद में तो चलो ठीक है यूज़ कर लो बेटा. क्यूट फेस है, कोई भी आंटी बोलेगी ना, इट्स ओके चलेगा. गया 5th फ्लोर पे, टिंग टिंग. तभी अचानक से सेम आंटी मेरे को ऐसे देखती है जैसे कि मैं कोई खूनी हाथों में हथियार लिए उनका घर लूटने के लिए आया हूँ. बट हेलो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ और मेरा इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है. इनफैक्ट मेरा मेरे फ्लैट पे रहने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन तक हो चुका है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा सिटीज़न हूँ और आपके सोसाइटी में रहने के लायक हूँ. अगर आप रहते हो वहाँ पर तो मैं भी रह सकता हूँ. माना वो मेरा फ्लैट नहीं है बट उस फ्लैट का जितना भी वर्थ है मैं पे कर रहा हूँ उसको. तो सारी बातों को ख़त्म करते हुए मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा. मैंने उनकी बेल बजाई, टिंग टोंग. अचानक से वो आंटी आई और फिर विश्व युद्ध शुरू हुआ. क्वेश्चन आंसर. कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं. एक सेकेंड, मेरे पापा क्या करते हैं दैट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न मैम. ठीक है, मैं क्या करता हूँ ठीक है आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप मेरे पड़ोसी हो, बट आप क्या करते हो ये मुझे भी पता होना चाहिए. ओके ये सारी बातें ख़त्म हुई वहाँ पे. उसके बाद मैंने उनको बोला ओके फाइन, मुझे मेरा सामान शिफ्ट करना है, क्या आप मेरे को शिफ्ट करने की परमिशन दोगे. एंड आई शुड लाइक नहीं भैया, नहीं कर सकते भैया, हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं. एक्सक्यूज़ मी, मैंने दोपहर को ही दो लोगों को देखा था अपने गैस की टंकी लिफ्ट में रख के आराम से लाते हुए, और मेरा एक एल्यूमिनियम का कवर्ड है मैम, मैं क्यों नहीं ला सकता. नहीं, उसके लिए आपको सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी. राउंड 2, 6th फ्लोर, सेक्रेटरी. ओके, सेक्रेटरी के घर गया. उसके बाद अगेन क्वेश्चन आंसर. आप क्या करते हो, आपके बाप क्या करते हैं, आपकी मॉम क्या करती हैं. एक्सक्यूज मी आंटी, आप क्या करते हो, मैंने आपसे पूछा, बिकॉज दैट इज़ नन ऑफ माई कंसर्न. खैर ये सारी बातें हुई एंड गेस वॉट, बैचलर हार गया. यस, सारा का सारा सामान नीचे के नीचे पड़ा हुआ है, 6th फ्लोर फ्लैट पे कोई नहीं, एक अकेला हड्डी बसली का लड़का सारा सामान उठाते हुए. और वो सारी आंटियाँ क्या कर रही थी उस टाइम पे, गेस व्हाट, वो अपनी हेल्थ बना रही थी. यस, वो वहाँ पे जाके जॉगिंग कर रही थी, वहाँ पे जाके गॉसिप कर रही थी. ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है आप समझ भी नहीं सकते. यस, गॉसिपिंग. वेल फ्रेंड्स, इस स्टोरी को बताने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस यही था. मैं किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया हूँ, मैं इसी कंट्री में रहता हूँ. ओके, और मेरे पास सारे राइट्स हैं हर वो एक काम करने का जो आप कर सकते हैं. इट जस्ट मैं मेरी फैमिली के संग नहीं रहता हूँ,
इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी आदतें बुरी हैं या मैं बुरा आदमी हूँ या मैं कुछ बुरे काम करता हूँ, नथिंग लाइक दैट। जी हाँ, तो यहाँ पे एक स्टोरी ख़त्म हुई, अब मैं दूसरी स्टोरी पे जाता हूँ। सॉरी, पहली स्टोरी का सारांश ये है कि वो लड़का मैं था। जी हाँ, वो मेरे किसी दोस्त की कहानी नहीं थी, वो मेरी कहानी थी। यस, 6 फ्लोर तक एक कबर्ड, एक गैस की टंकी, एक बोरी बर्तन, 3 बैग सामान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्ला 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 ब्ला, मैंने खुद उठाया था। पॉइंट 2, जैसे मैंने फ्लैट में एंटर किया, एन नंबर ऑफ रूल्स। आप फ्रेंड्स नहीं ला सकते हो, आपके फ्रेंड्स में लड़कियां नहीं होनी चाहिए, आप पार्टी नहीं कर सकते। एक्सक्यूज़ मी, मैं पार्टी क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं गाने क्यों नहीं सुन सकता हूँ, जब आपके घर में रात को 12-12 बजे तक सास बहू के सीरियल्स चल सकते हैं जिनसे मेरा दिमाग पक सकता है, तो मैं मेरे घर में अच्छे गाने क्यों नहीं प्ले कर सकता जिससे दिमाग को सुकून मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप पार्टीज़ नहीं कर सकते। एक्सक्यूज़ मी, मैं पार्टीज़ क्यों नहीं कर सकता हूँ, मेरी भी एक सोशल लाइफ है, मैं घर से अलग हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई है, मेरे भी फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहीं बाहर रह रहा हूँ तो मेरे फ्रेंड्स ही मेरी फैमिली हैं, उनके संग एंजॉय करना ये मेरा हक है और ये हक आप मुझसे नहीं छीन सकते। क्या आपके घर में कभी बर्थडे पार्टीज़ नहीं होती? क्या आपके घर में कभी किसी की शादी नहीं होती? मैं या कोई भी बैचलर कभी बोलने गया, आंटी आपके घर में शादी हो रही है, आप प्लीज़ हाँ दरवाज़ा बंद करके सारी चीज़ें करना जो भी करना। क्या आपके घर में लड़कियाँ नहीं आती या आपके घर में कोई लड़के नहीं आते? हर चीज़ को सोचने का एक नज़रिया होता है, प्लीज़ अपना नज़रिया सुधारो। उसके अलावा कुछ और बड़ी ही ओछी सी चीज़ें जो आजकल के रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में एक अलाउ नहीं किया जाता या बैचलर्स को करने से मना किया जाता है, जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। सबसे बड़ी बात यह है कि वन ऑफ माय फ्रेंड, अगेन दिस नॉट माय स्टोरी, वन ऑफ माय फ्रेंड, यस वन ऑफ माय फ्रेंड एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहता था, एंड देन अगेन उसके सोसाइटी में अच्छा खासा स्विमिंग पूल था जिसको दिखा के उसके ब्रोकर ने उससे पैसे लिए थे कि यस यू कैन यूज़ दैट स्विमिंग पूल और देखो साहब कितना अच्छा फ्लैट है। उस फ्लैट में शिफ्ट हुआ, गर्मी का टाइम आया, स्विमिंग पूल, सॉरी अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप स्विमिंग पूल नहीं यूज़ कर सकते। व्हाट आर यू किडिंग मी, मैं रेंट पे रहता हूँ तो मैं स्विमिंग पूल यूज़ नहीं कर सकता? अगर मैं रेंट पे रहता हूँ तो मैं मेंटेनेंस भी क्यों भरूँ? वेल, ये हुई एक स्टोरी। सेकेंड पार्ट, सेम फ्रेंड, सोसाइटी के अंदर एक गार्डन है, अगेन ब्रोकर ने वो गार्डन दिखा के बोला था सर आप रोज़ शाम को वहाँ पे घूमने जा सकते हो, देखो कितने अच्छे फूल है सर, ये देखो यहाँ गुलाब है यहाँ गेंदा है। बुलशिट, आप वहाँ से फूल नहीं तोड़ सकते, आप फूलों को टच नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप रेंट पे रहते हो। ओह माय गॉड, आज के टाइम पे भी अगर हम ऐसी सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज़ दिस करेक्ट? क्या ये सही है? आप मुझे आपके व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो, आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम लिखो, मैं आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर 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 कोई ना कोई जवाब डेफिनेटली दूंगा। थैंक यू वेरी मच मुझे झेलने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। अगर मैं आपको पसंद आया हिट लाइक, अगर मैं पसंद नहीं आया फिर भी हिट लाइक, क्योंकि आप पसंद करो ना करो मैं तो आता रहूँगा। थैंक यू, बाय।